Yes, so we are back after the break और हम बात ये कर रहे थे कि किस तरह से आप योगा के जरिए अपने आप को फिट रख सकते हैं. प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है वो इस लिहाज से कि थोड़ा सा जो टाइम प्रोसेस होता है वो स्लो होता है. अगर आप कंपेयर करें कि अगर आप एरोबिक्स कर रहे हैं तो वहाँ वेट एकदम से डाउन होता है, लेकिन योगा में जो आप एकदम से अपना वेट लूज करते हैं तो वो फिर वापस नहीं आता और बड़ा फिट आप अपने आप को फील भी कर रहे होते हैं. बहुत फ्रेश स्किन हो जाती है, उसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन क्योंकि बहुत फास्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है. आपका मूवमेंट्स इतनी होती हैं इसमें, डिफरेंट आसन में, डिफरेंट पोजेस में, पोस्चर्स में, तो आपके बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं इससे. बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने. एरोबिक्स जो है और स्विमिंग ये भी अच्छे हैं. डांस किसी जो वज़न कम होता है तो भी तकरीबन ज़्यादातर टाइम रहते हैं, लेकिन जो हम वेट लिफ्टिंग वगैरह इस तरह की अगर हम करते हैं असल में उससे भी वज़न तो तकरीबन बरकरार रहता है, लेकिन आप अगर कंटिन्यू रखिए तो एक्सरसाइज वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है. बिल्कुल, एक्सरसाइज कोई भी आप छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम तो वापस जरूर आएंगे, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कि वापस मसल्स उसी हालत में जाते हैं. लेकिन ये है कि हमारे जो अंदरूनी सलाहते हैं, जो आपकी माइंड है, सोल है, उसको उनको अगर एक्टिवेट करेंगे, उसको अगर एक्टिव रखेंगे तो आपकी वजन होना नहीं देते हैं. वो आपके वजन को कभी यानी वो नेचर के साथ जब आपको कनेक्शन होते हैं फिर आप जो मर्जी खाएं, जो मर्जी कर ले, लेकिन फिर भी डाइटिंग एक बहुत जरूरी चीज होती है कि आप डाइट का ख्याल रखें. सबसे वजन जो बढ़ते हैं वो ज्यादातर खाने से बढ़ता है. डॉक्टर साहब, इट्स नॉट अबाउट डाइटिंग, इट्स एक्चुअली अबाउट हाउ टू मेंटेन और हाउ टू टेक केयर ऑफ योर डाइट. मतलब जो आप खा रहे हैं उसमें थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए. मतलब आप सब कुछ खाएं लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, बेशक चार टाइम खाएं, चार टाइम बेशक खाएं, कमी ना लें. अगर आप दो टाइम खाएं तो वजन और बढ़ जाए. हाँ, एकदम से भूखे होने के बाद ना एकदम से वो एक टाइम आपके अंदर जो है ना वो जो भूख वाली सेल्स होते हैं तो एकदम बोले तो अब मैं सादा जबान में बताऊंगा कि वो जो भूख वाले जो सेल्स होते हैं वो आपके एकदम वो जज्ब कर लेते हैं और फिर वो जो है ना आपके वजन ऑटोमेटिकली बिलखसूस पेट निकलना शुरू. बिल्कुल, और ये भी कहा जाता है कि जब आप रात का खाना लें तो कम से कम भी 3 से 4 घंटे सोने का और खाने का आपका एक गैप होना चाहिए ताकि वो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए. अगर आप खाते ही सो जाएंगे आधे एक घंटे के अंदर अंदर तो फिर वो वेट एकदम से गेन हो जाता है. रात को जो भी कुछ खाएं तो वो उससे वजन बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप सब्जी लें, कुछ ऐसे चीजें लें, हल्के हल्के से गजा लें या दही जिससे आपने मकसद वो मलाई उतार दी है ऊपर से और वो आप लें तो एक बड़े अच्छे आपको सुकून की नींद भी आ जाते हैं और साथ साथ जो है ना हल्कापन जब आपको मैं आपके सांस बड़े अच्छे हो जाते हैं, फेफड़ों को कुछ अच्छा मौका मिलता है ऑक्सीजन लेने का और आपके ब्रेन को जब ज्यादा ऑक्सीजन मिलते हैं तो उस सूरत में आप तरोताजगी रिलैक्सेशन महसूस करते हैं और सुबह फ्रेश उठते हैं. जब आप बहुत ज्यादा मुर्गन गजाएं खाते हैं ठीक है उससे नींद तो आ जाता है लेकिन नींद में बेचैनी भी होती है, सुबह फिर आप फ्रेश उठ भी नहीं सकते, हैवी फील होने लगता है, ये बात है. और अगर आपने हैवी गजा लेना है तो वो आप दोपहर को ले लो. अच्छा। लेकिन फाइबर वाले जितनी ज्यादा फाइबर हो वो गजाएं लेनी चाहिए इंसान को. फाइबर आपको देखे सेब में आपको मिलते हैं, फल में ज्यादातर सब्जियों में आपको फाइबर्स मिलते हैं, दालों में दाल में मिलता है, काली चनों में मिलते हैं आपको. और काली चने तो कहते हैं कि फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, अगर आप अपनी वो एक डाइट में भी रख लें फुल ऑफ एनर्जी. हाँ। और वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो आपकी चर्बी को नहीं बढ़ाते, वो बर्न करते हैं आपकी जो जितने भी फैट्स हैं उसको बर्न करने की कोशिश होती है उसमें. कई ऐसी फैमिलीज होती है डॉक्टर साहब जहाँ पे काले चने मस्ट होता है, डाइनिंग पे उनके जरूर रखा हुआ होता है, चाहे वो बॉईल किए हुए हो चाहे वो मसाले वाले हो, लेकिन काले चने मस्ट, स्पेशली लाहौर साइड पे काले चने लोग बहुत ले रहे होते हैं. असल में रिज बात है कि अगर आप दिन रात खाते हैं तो वो भी एक मसला है, जाहिर है आपके मसल्स तो, लेकिन खाने का एक टाइम हो, हर वक्त खाना ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये आपको एक बहुत बड़ी समस्या बड़े प्रॉब्लम्स की तरफ आपको ले जाते हैं. खाने के लिए जीना नहीं चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है कि लोग जो है ना खाते रहते हैं घर में बैठ के, कभी फ्रिज खोला, कभी कहाँ से किचन गए, कहीं उधर उधर से घूमता रहता है घर में, तो साथ साथ खाते रहते हैं, कभी फोन पे बात करते हैं या साथ ही जो है ना टीवी ऑन करते हुए तो ऐसे ऐसे चीजें ले लेते हैं. जिस तरह आजकल जो ज्यादातर सर्दियों का टाइम है
तो ड्राई फ्रूट्स लोग ले लेते हैं, उससे बहुत ज्यादा वजन, कुछ जिजू से बहुत ज्यादा, सर्दियों के बाद पता चलता है कि वैसे ही बढ़ जाते हैं, 4 kg बढ़ गया। तो बहुत एहतियात करने, फिर साथ साथ कॉफी, साथ साथ पिछले प्रोग्राम में हमने कॉफी पे बात किए थे, वो चीनी आप इतना ले लेते हैं, फल से कुछ आपको जो है ना वो चीनी मिलते हैं, किसी और चीज मीठा मिलते हैं, कई और चीजों से जो भी आप इतने मीठा दिन को ले लेते हैं कि वो आकर आपके जो पेट के लास्ट इससे पे है ना वो चर्बी बन जाते हैं, और वो चर्बी जब बनते हैं तो वो फिर ऐसा ऐसा बढ़ते जाते हैं,